दोस्तों, आज हर बदलते दिन के साथ भारत की ताकत में कई गुना इजाफा होता जा रहा है। वो अपनी तकनीक को ज्यादा से ज्यादा एडवांस बनाने के लिए नए नए आविष्कार करता जा रहा है, जिसमें उसे सफलता भी मिलती जा रही है। आज भारत की कामयाबी को दुनिया सलाम भी कर रही है। भारत की इतनी मेहनत के पीछे के कारण उसके दुश्मन हैं, जो हर वक्त देश के लिए खतरा बने रहते हैं। इसीलिए भारत ऐसी कोई भी कमी नहीं चाहता है जिससे उसके दुश्मन उस पर हावी हो जाएं। यही कारण है कि भारत दिन रात एक करके आधुनिक और खतरनाक हथियार बना रहा है। इसी कड़ी में भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश की बोलती बंद हो गई है, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। वहीं उसके दुश्मनों की तो नींद ही उड़ गई है। दोस्तों, यहाँ जिस कारनामे की बात हो रही है उसका नाम है कावेरी ड्राई इंजन। आखिर क्या है ये इंजन और क्यों है भारत को इसकी जरूरत, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हरकतों की वजह से भारत ने अपने हथियारों की संख्या तो बढ़ाई ही, साथ ही एडवांस तकनीक पर भी फोकस किया। लेकिन इन सब के साथ भारत सरकार का इस बात पर भी ध्यान गया है कि वो दूसरे देशों पर अपने हथियारों की निर्भरता को घटाए और खुद के देश में ज्यादा से ज्यादा हथियार डेवलप करे। इससे देश में रोजगार की संख्या तो बढ़ेगी ही, साथ ही स्वदेशी तकनीक के चलते सेना को ज्यादा ताकत हासिल होगी, क्योंकि अगर हम तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर होंगे तो हम ज्यादा मजबूत होंगे और दुश्मन का डटकर सामना कर सकेंगे। इसी राह पर चलते हुए भारत में कई घातक हथियार बनाए भी गए हैं, जो दुनिया के खतरनाक से खतरनाक हथियारों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। भारत की यह कामयाबी देखकर दुनिया के बड़े और शक्तिशाली देश जैसे अमेरिका, चीन, रूस, इजराइल जैसे देश भी ये मान रहे हैं कि भारत बहुत जल्द वो मुकाम हासिल कर लेगा जो अभी तक कोई देश नहीं कर पाया है। इसी राह पर चलते हुए भारत के वैज्ञानिकों ने अब वो सफलता हासिल की है जिसका सपना वो सालों से देखता रहा है। इस सफलता का नाम है ड्राई कावेरी इंजन। भारत ने अपनी सालों की मेहनत के बाद ड्राई कावेरी इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। दोस्तों, ये बात आप सब जानते ही होंगे कि भारत का DRDO कावेरी का रिएक्टिव इंजन बना रहा है, जिसका यूज घातक UCAV में किया जाएगा। इस रिएक्टिव इंजन में आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण इसे ड्राई कावेरी इंजन कहा गया है। वैसे तो इस इंजन पर काम काफी लंबे समय से चल रहा था, जिसमें अब जाकर कामयाबी मिली है। इस इंजन को कुछ समय पहले हाई एल्टीट्यूड के लिए रूस भेजा गया था, जहां यह टेस्टिंग के दौरान कामयाब भी रहा। सिमुलेटेड हाई एल्टीट्यूड टेस्ट के दौरान इसमें प्रेशर कंडीशन और अलग अलग तरह के एयर इनफ्लो, अलग अलग स्पीड पर और स्ट्रेस और स्ट्रेन कंडीशन पर परीक्षण किया गया। आपको बता दें कि इस तरह के परीक्षण से इस बात की जानकारी मिल जाती है कि नॉर्मल इंजन हाई एल्टीट्यूड पर किस तरह से काम करेगा। इसी सिमुलेटेड हाई एल्टीट्यूड स्टिंग के डेटा के मुताबिक स्पेसिफिकेशन टेस्ट की जाती है। भारत की DRDO द्वारा बनाए गए इस इंजन को हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए रूस ले जाया जा रहा था। तब ये माना जा रहा था कि ये इंजन 46 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, लेकिन जब इसका परीक्षण किया गया तो इसने उम्मीद से ज्यादा अपनी क्षमता दिखाई और 48.5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट किया। इससे वैज्ञानिक भी संतुष्ट हो गए कि उनकी मेहनत रंग लाई और इंजन का परफॉर्मेंस बेहतर रहा। अब इस टेस्टिंग के बाद इस इंजन को फ्लाइंग बैट के रूप में फ्लाइंग बैट के ऊपर लगाकर टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों, इस वक्त भारत के पास फ्लाइंग बैट टेस्टिंग उपलब्ध नहीं है, ऐसे में GTRE की तरफ से इस नीड गोदरेज को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसकी तकनीक के ट्रांसफर के बाद गोदरेज की तरफ से एक और प्रोटोटाइप यूनिट को तैयार कर GTRE को डिलीवर किया गया है। इस प्रोटोटाइप यूनिट स्ट्रक्चरल इंटीग्रेटेड टेस्ट करने के बाद इसे फिर से रूस भेजा जाएगा, जहां से इस इंजन को फिर से IL-76 टेस्ट बेड पर लगाकर परीक्षण किया जाएगा। अगर ये सफल हो जाता है तो इसके बाद जल्द से जल्द घातक UCAV के इंजन के प्रोडक्शन को शुरू कर दिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा UCAV घातक बनकर तैयार किया जा सके। यानी कि जब ये विमान तैयार होगा तब तक इसका इंजन बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि USAV का मतलब होता है अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल, यानी लड़ाकू ड्रोन, जो छोटा मगर विस्फोटक हथियार होता है। ये दुश्मनों को पलक झपकते ही खत्म कर देते हैं। आज अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, इजराइल जैसे देशों के पास एक से एक खतरनाक ड्रोन्स हैं। वहीं भारत भी इस मामले में अपनी तकनीक को डेवलप करता जा रहा है और जल्द ही उसके पास भी उसका घातक स्टेल्थ ड्रोन होगा, जिससे भारतीय वायुसेना के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO डेवलप कर रहा है। घातक ड्रोन फ्लाइंग विंग डिजाइन पर आधारित है, यानी एयरक्राफ्ट अपने से ज्यादा ईंधन और हथियार ले जा सकता है। घातक ड्रोन तेज रफ्तार में अच्छा खासा पेलोड कैरी कर सकता है। ये अपने टारगेट्स को ऑटोमेटिकली निशाना बना सकता है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स और ISR रडार लगे हुए हैं। ये देखने में चमगादड़ जैसा लगता है। घातक के स्केल्ड डाउन टेस्ट बेड की पहली फ्लाइट पिछले साल जुलाई में हुई थी। इसका फुल स्केल प्रोटोटाइप 2025 तक तैयार हो सकता है। DRDO घातक ड्रोन में मिसाइल, बम और अन्य गाइडेड हथियार रखने की जगह होगी। इसमें टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है, जो इसे 30,000 फीट की ऊंचाई तक ले जा सकता है।
घातक यूसीएवी का टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर स्विफ्ट यूएवी काफी कुछ अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से मिलता जुलता है। इसका वजन करीब 1 टन है। इसके साथ ही ये एक छोटे टर्बोफैन इंजन से उड़ता है। इस विमान की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें उपयोग किए जाने वाले एयरफ्रेम, अंडर कैरेज और एवियोनिक सिस्टम स्वदेशी है। ये 3-4 साल में स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन की मदद से सीमाओं पर निगरानी करने के काम आएगा। भारत के अलावा अमेरिका, तुर्की, चीन के पास भी ऐसे खतरनाक ड्रोन हैं जो पूरी दुनिया में अपनी ताकत की धाक जमाए हुए हैं। दोस्तों, हम अपने टॉपिक यानी ट्राई कावेरी इंजन पर फिर से आते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। तो फिलहाल इसे अभी यूसीएवी में ही यूज किया जा सकता है। इसे अभी किसी फाइटर जेट या फिर एमसीए जैसे लड़ाकू विमान में नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि लड़ाकू विमानों या फिर एमसीए जैसे लड़ाकू विमानों में जिस तरह के इंजन होंगे उसकी क्षमता 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करने की होगी। इसीलिए इस इंजन को फिलहाल किसी भी फाइटर जेट में नहीं लगाया जा सकता और ना ही भविष्य में इसका यूज लड़ाकू विमानों में होगा। हमारे देश के वैज्ञानिकों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो 120 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने वाले इंजन का इजाद कर सके। वैसे तो भारत इंजन बनाने के मामले में अभी शुरुआत की स्टेज में है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब इसमें पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा और अमेरिका, रूस जैसे देशों से इंजन मंगवाने के बजाय दूसरे देशों को इनका निर्यात करेगा। दोस्तों, चीन के बाद भारत ही ऐसा देश है जो रक्षा पर सर्वाधिक पैसा खर्च करता है। अब धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है और तरह तरह के हथियार बना रहा है। आज उसके पास घातक ड्रोन, मिसाइल और बहुत से ऐसे हथियार हैं जिनकी धाक पूरी दुनिया में मची हुई है। वहीं भारत की ताकत देखकर उसके दुश्मन उसकी तरफ देखने से कतराने लगे हैं, लेकिन फाइटर जेट के इंजन को लेकर अभी भारत थोड़ा पीछे है और उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द ही इसमें कामयाब हो जाएं। इस बारे में आपका क्या कहना है? कब तक भारत इस तरह के इंजन की तकनीक में कामयाब हो जाएगा और वो दूसरे देशों से इनके इंपोर्ट को खत्म कर देगा और एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।